कुछ लोग दोस्त मिलकर गए रात को और उसको पीटा भी, और उसके पास जो भी था हम लोग उसको लूट कर लेकर आ गए। वो लोग गन ऐसा लेकर मेरे रूम में आए। मैंने जेल में भी जो संगति स्टार्ट किया, मैंने वहाँ पे एक चर्च शुरू किया। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पासवान बनूंगा, प्रभु के ऐसे मैं महिमा करूंगा। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जनक चौधरी है और मैं नेपाल के रहने वाला हूँ। तो आज से 22 साल पहले की बात है जब मैंने प्रभु को नहीं पाया था, प्रभु यीशु मसीह को। तो उस टाइम मेरा जीवन अच्छा नहीं था क्योंकि मैं बुरी संगत में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ लिख नहीं पाया। मैं चौथी क्लास ही पास हुआ हूँ। तो मैं बुरी संगत में फंस गया। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से मैं भी उतना पढ़ा लिखा नहीं पाया। लेकिन मेरे माँ बाप तो मुझे पढ़ाना चाहते थे। हमारा जगह ज़मीन भी काफ़ी अच्छा था, ज़मींदार लोग थे। मैं स्कूल के समय से ही क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहा था और मैं बुरे संगत में फंस के, मैंने कितने हमारे गांव के जो बुरे बुरे काम करते थे उनके साथ में, उनके संगत में लाकर मैंने तंबाकू खाना सीखा और सिगरेट पीना, दारू पीना, ऐसे मैंने ऐसे बुरे संगत में मैं फंस गया, जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। और फिर बाद में क्या हुआ कि मैं चौथी क्लास, मैं चार स्कूल में पढ़ा लेकिन चार क्लास तक ही पढ़ पाया, क्योंकि क्या बोलते हैं, इतने ख़राब में संगत में फंस गया कि हम लोग बाद में उम्र चलता गया तो मेरा 14-15 साल हुआ, मतलब वर्ष के मैं था, तो उस टाइम में मेरा शादी हो गया था, मेरा बच्चा भी हो गया। तो मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा था और मैं बुरे लोगों के साथ में फंस के, तो हम लोग बुरे बुरे काम करने लगे, किसी को मारते, किसी को लूटते। तो ऐसे करते करते हम लोग, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो हमारे गांव में आया था, तो किसी ने बोला कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम लोग चलते हैं और जाकर उसको लूट कर लेकर आते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग कुछ लोग दोस्त मिलकर गए रात को और उसको पीटा भी, और उसके पास जो भी था हम लोग उसको लूट कर लेकर आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन रात को कुछ शिकायत हो गया, उधर पुलिस में रिपोर्ट हो गया। तो सुबह का टाइम था कि पुलिस हमारे घर पे आए और किसी ने पूछा बाहर से, मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, सुबह हो गया था, मैंने सोया हुआ था अपने बिस्तर पर, और किसी ने मेरा नाम लेकर बोला कि जनक का घर ही है। तो मैंने सुन रहा था बिस्तर में क्या आनी, और मैं सोचा कि कौन होगा, हम जिसके घर में वो आदमी सोया था जिसको हमने मारा वही होगा, वो लोग हमें क्या कर पाएंगे, ऐसा मेरा अंदर से मैंने ऐसे सोच रहा था। तो उसके बाद जब देखा तो दो पुलिस ऑफिसर, दो जो उनके पास गन था, वो लोग गन ऐसा लेकर मेरे रूम में आए और उन्होंने बोला कि देखो उधर पे एक आदमी सो रहा है। मैं सुन रहा था लेकिन मैं ऐसा कर रहा था कि मैं मस्त निंद्रा में ऐसा हूँ, और उन्होंने बोला, मेरे नज़दीक आकर वो गन लेकर आकर बोला कि जनक तुम हो? मैंने बोला कि जी हाँ मैं हूँ। उठ, वो मुझे बहुत गंदे गंदे गाली लोग देने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि रात में जो पैसा तुम लोगों ने लूटा वो कहाँ पे है? तो मैंने बोला कि साहब मेरे पास है। तो उन्होंने मेरा सारा बाकस जो था उधर सब चेक किया, उसमें मेरा वो नेपाली एक खुकरी होता है, मेरे पास खुकरी भी था और एक एक पिस्तौल भी था। तो उन्होंने बरामद किया और मुझे हथकड़ी लगाकर बाहर लेकर आया। तो जब मैं बाहर आया तो बाहर बहुत सारे पुलिस लोग थे, लगभग 50 पुलिस थे, और मैंने देखा कि मेरे दोस्तों को भी उधर पकड़ा हुआ है। तो सीधे हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस सेंटर होता है वहाँ पे हम लोगों को चालान कर दिया। तो एक महीने हम लोग वहाँ पे बैठे और हम लोगों से बयान भी लिया,
उसके बाद हम लोगों को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसके बाद भी मैंने, क्योंकि मुझे मेरा ऐसा जीवन था कि मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं था, उस उम्र था हमारा उम्र उस टाइम में। और हम लोग जब जेल में गए तो वहाँ भी कोई, मेरा शादी हो गया था, बच्चा भी घर में है, बीबी भी घर में है। और बाद में क्या हुआ कि जेल में जाते के समय भी हम लोग जेल में, जो कि शराब पीना मना होता है वहाँ पे, नहीं मिलता है शराब, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जेल में भी हम लोगों ने शराब पिया, क्योंकि हम लोग पैसे देते थे तो पुलिस लाकर हमको देते थे। उधर भांग भी पिया, चरस भी पिया। और उसके बाद किसी ने बोला कि इतना हम लोग नशा में डूब गए थे, किसी ने बोला कि जो छिपकली होता है उसका अगर पूंछ होता है, वो पूंछ अगर सिगरेट में डाल के पियोगे तो वो बहुत नशा देता है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, तो ये भी ट्राई करते हैं। तो हम लोग ट्राई किया उसको भी, लेकिन नशा तो नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छा उसका बदबू बहुत बुरा था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर था कि कोई तो है ईश्वर जो सबको कुछ ना कुछ देख रहा है। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी था, मैंने पुस्तक ढूंढ रहा था, एक महाभारत भी था, महाभारत को मैंने पढ़ा वहाँ पे, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से था। बहुत सारे ग्रंथ भी थे वहाँ पे, मैंने भी वो पढ़ा। लेकिन उसी लाइब्रेरी में एक छोटी सी पुस्तक, जो किताब थी, जिसका नाम था मनुष्य हृदय। तो जब मैं वो मनुष्य हृदय पढ़ा तो मैंने उस पुस्तक के अंदर मैंने अपने आप को खुद देखा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। उससे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, हम लोग चोरी करते थे, किसी को मारते थे, किसी की मुर्गी चोर कर चोरी करके हम लोग खाते थे, किसी की बगीचे में जाके, बाहरी में जाके सब कुछ हम लोग ऐसे ऐसे बुरा बुरा एकदम गंदे गंदे काम करते थे, क्योंकि हम लोग किसी से नहीं डरते थे उस टाइम, उस समय में हमारे एरिया में। तो मुझे वो सब करते समय तो अच्छा लग रहा था कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं वो किताब पढ़ रहा था मनुष्य हृदय, तो उसमें मैंने पाया कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। उसके बाद उसमें वो किताब के जो होता है उसके पीछे लिखा हुआ है कि अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमें पत्राचार कीजिए। तो मैंने पत्राचार किया और वहाँ से बहुत सारे पुस्तकें लाए, पुस्तक आए, उन्होंने वहाँ से हुला डाक से उन्होंने भेजा। तो मैंने वो सारी किताब पढ़ी। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैंने इतना अपने आप को इतना गिरा हुआ इंसान पाया, और मैं बहुत रोया। जब मैं किताब था वो पढ़ रहा था, पढ़ता था उस समय, उस टाइम में मेरे आँखों से आंसू बहते थे, और मैंने बोलता कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत रोता था, लेकिन मैं किसी दोस्तों को नहीं दिखा रहा था कि मैं रो रहा हूँ करके, मैं चुपके से रोता था, बहुत रोता था। और मैंने बाइबल वहाँ पे बहुत मैंने पढ़ा, और मुझे मालूम नहीं था कलीसिया कैसा होता है, लेकिन फिर भी मैंने जेल में भी जो संगठन स्टार्ट किया, मैंने वहाँ पे एक चर्च शुरू किया वहाँ पे। और कितने लोग थे वहाँ, कितने लोगों को मैंने प्रभु के बारे में भी बताया, कितने लोग विश्वास भी किए, मगर मुझे मालूम नहीं था कि संगठन किस तरह करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं था। और किसी ने मुझे प्रभु को ग्रहण भी नहीं कराया, क्योंकि वहाँ पे जेल में कोई पासवान नहीं था। और मैंने खुद अपने आप मैंने प्रभु को अंगीकार किया कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है और तू ही मेरा उद्धार करता है। और मैंने वहाँ से अपने जीवन को बदल लिया, मैंने प्रभु को अपना जीवन जेल में समर्पण कर दिया। मैं 3.5 साल तक मैं जेल में रहा, और 3.5 साल के बाद मैं इतना सारी किताब पढ़ चुका था कि मेरे पास एक बाकस था, वो बाकस पूरा बाइबल की किताब से पूरा भर गया था। और मैंने बाइबल कितना बार पढ़ा, कितना बार पढ़ा वहाँ पे। और जब 3.5 साल हुआ उसके बाद मैंने प्रभु को प्रार्थना की कि प्रभु मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, मसीह लोग कैसे होते हैं, कलीसिया कैसा होता है, मैं देखना चाहता हूँ प्रभु। जो कि मैं 3.5 साल रहा, जो कि मुझे सज़ा हो गया था, 8.5 साल का सज़ा हुआ था मुझे, 8.5 साल सज़ा हो गया था। उसके बाद जब मैं प्रभु को प्रार्थना की क्योंकि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु मुझे इतना चमत्कार काम किया, 3.5 साल के अंदर हम लोग बाहर आए। तो शाम के समय था जब हम लोगों ने सरकार से ऑर्डर आया कि इन लोगों को छोड़ दो। तो जब बाहर आया तो शाम के समय था, तो हमारे जेल से हमारे घर बहुत दूर पड़ता है, लगभग 2 घंटे का रास्ता है।
तो उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि सारे दोस्त मेरे जो जितने दोस्त थे वो लोग प्रभु को नहीं अंगीकार किया, लेकिन मैं एक ही अंगीकार किया प्रभु को। तो मेरे पास बहुत बड़ा चुनौती था। और जब हम लोग बाहर आए तो शाम हो गया था, हम लोग घर पहुंचने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो हम लोग आपस में बात करके बोले कि ठीक है, आज हम लोग एक होटल में ठहरते हैं। तब एक होटल में गए ठहरने के लिए, तो दोस्तों ने तो बोला कि हलो चलो हम लोग आज पार्टी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने साल के बाद हम लोग जेल से बाहर आए हैं। तो मेरे पास वो बहुत बड़ा चुनौती था। तो दोस्तों ने बोल रहा था कि वो दारू का बहुत नाम ले रहे थे, हम लोग ए पियेंगे। उस टाइम में मैंने बोला कि देखो दोस्तों, मैंने ये सब कुछ जेल में दफन करके आ गया है, मैं ये नहीं पीऊँगा। लेकिन दोस्तों ने मुझे बोलने लगे नहीं अरे तेरा इसी कारण से हम लोग अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला कि तुम लोगों को अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया है। जो प्रभु ने मुझे बचाया, जो प्रभु मेरे लिए सूली पर चढ़ा, मैं अपने जीवन प्रभु को दे दिया हूँ। तो वो लोग बोले ठीक है, अगर तू नहीं पिएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग पिएंगे। दोस्त लोग वो पार्टी करने लगे और मैं थोड़ा सा मीट खाया, उसके बाद मैं सो गया। लेकिन दोस्त लोग बहुत रात से वो लोग पार्टी किए। तो उसके बाद जब मैं रात भर वहाँ पे ठहरे, सुबह हुआ तो मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद जब मैंने अपने पिताजी को देखा, मैं बहुत रोया। अपने पिताजी के सामने मैं बहुत रोया, उनसे क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं मेरे कारण आप लोगों को कितना सर झुका, आप लोगों के बहुत शर्म हुआ मेरे वजह से। तो उसके बाद मेरे पास बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी मसीह लोग नहीं थे उस टाइम। तो मेरे पापा बोलते थे कि तेरे सारे दोस्त प्रभु को नहीं आप विश्वासी नहीं हुआ, मसीह नहीं बने, तुम कहाँ से बन गए। तो मैंने पिताजी को बोला, एक ही बार बोला, आप क्या चाहते हैं, मैं वही जो पुराना रास्ता अपनाऊं, जो सीक्रेट दारू पीकर मैं चलूं, या मैं सही यही रास्ता पर चलूं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो अभी तू सही है उसी रास्ता पर चल। तो फिर मैंने बोला कि आप लोग मुझे कुछ मत कहिए। उसके बाद मुझे एक पहलवानपुर है, हमारे चर्च है, हमारे पास्टर ज्ञान बहादुर, मैंने सुना था कि वहाँ पे एक चर्च है। तो मैं संडे का दिन था तो मैं चर्च ढूंढने के लिए गया, खोजने की कहाँ पे है चर्च। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ भी है और कि आपके जगह में भी चर्च है। तो वहाँ से मैंने प्रभु को संगति में जाना शुरू किया। उसके बाद मैं कभी भी संसार की ओर मुड़ के नहीं देखा, मैं प्रभु में आगे बढ़ते गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पासवान बनूंगा, प्रभु के ऐसे मैं महिमा करूंगा। लेकिन प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने मुझे उस सारी टपलिकों से, उस सारी बुराई कामों से मुझे छुटकारा दिया, मुक्ति दिया। और अभी मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ। और उसके बाद एक और बात मैंने बोलना भूल गया, क्योंकि जब मैं जेल में था तो जो मैंने पहले भी बोला था कि मेरा शादी हो गया था। तो जब मैं 3.5 साल जेल में रहा तो उस टाइम मेरे बीबी जो थी, पहले शादी होली बीबी, वो मुझे छोड़कर चली गई, वो दूसरे के पास, वो दूसरी शादी कर ली, और जो कि मैं जेल में था। तो उसके बाद मैं जब बाहर आया तो उसके बाद प्रभु में मैं आगे बढ़ते गया, प्रभु मुझे आगे बढ़ाते लेकर गया। प्रभु जेल से आने के बाद मैं फिर से प्रभु की संगति में आना स्टार्ट किया और प्रभु में मैं आगे बढ़ता गया। और फिर हमारे पासवान जो थे उन्होंने एक लड़की दिखाई, तो उसके बाद मेरे फिर से मसीही जो विवाह होता है, शादी होता है, उस से मेरा शादी हुआ। और मेरे पास अभी दो बेटी और एक बेटा है, और अभी मैं एक पासवान हूँ। और प्रभु की महिमा से, प्रभु की कृपा से अभी हमारे चर्च में 200 से लेकर 300 के आसपास में मसीही लोग आते हैं संगति के लिए। Yeah.
अपने जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया। और बहुत सारे जो काम थे मेरे जीवन में, जो बहुत गंदे गंदे काम मैंने किया, आज मैं जब उस टाइम में देख, क्योंकि मैं अभी जो देख रहा हूँ, प्रभु जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है, मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, प्रभु मैं अपने आप कुछ भी नहीं हूँ, आज मैं जो हूँ केवल आपकी अनुग्रह, आपके कृपा से हूँ। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका कि मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने वो सारी योग्यताएँ दी, प्रभु वो सारी सामर्थ्य दी, प्रभु वो सारी ज्ञान और बुद्धि दी, जिस वजह से मैं प्रभु की सेवा कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस टाइम के लिए। और बहुत सारे मैं कितने बार बाइबल देखता हूँ, तो बाइबल के में एक उदार पुत्र का जो कहानी है, मैं उस तरह भी अपने जीवन में देखता हूँ कितने बार। क्योंकि हमारे पास घर में एक नौकर था काम करने वाला, लेकिन खुद मैं किसी के घर में जाकर मैं नौकर का काम मैंने किया, ऐसा भी किया मैंने, क्योंकि हमारे घर में नौकर था, लेकिन मुझसे भी मैंने काम किया। तो इस वजह से प्रभु की महिमा मिले कि प्रभु ने मुझे आज अपने राज्य में बुलाया अपनी महिमा के लिए। और बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद आज मैं देखता हूँ हमारे गांव में, जो कि मैं जब विश्वास करके घर पे आया तो मैं एक ही मसीही था। जब मेरा शादी हुआ तो हमारे गांव के कोई भी लोग शादी में नहीं आए, वो लोगों ने बोला कि अरे विश्वासी के शादी में नहीं जाना चाहिए, मसीहों की भी शादी में नहीं जाना चाहिए। और मैंने संसार में कभी भी नहीं देखा, संसार के और मूर्ख में कभी नहीं देखा। आज हमारे गांव में लगभग 12-13 घर के लोग अभी प्रभु को अंगीकार किया है, प्रभु को मान रहे हैं। तो इस वजह से मैं, जितने लोग आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं वो सभी लोगों को इनक्रेज करना चाहता हूँ कि आप जैसे भी परेशानियों से आप लोग घिरे हुए हैं, प्रभु आपको उस सारी परेशानियों से बाहर लेकर आना चाहता है। क्योंकि प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, प्रभु आपके लिए सूली पर चढ़ा, प्रभु आपके लिए वो मुर्दों में से तीसरे दिन में जी कर उठा है। वो प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, उसने आपके लिए अपने लहू बहाया है। और आप जिससे भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, अगर आप नशों में नशेरी में आप लोग गए हैं, फिर प्रभु आपको बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे ला वो परिस्थिति से प्रभु ने मुझे बाहर लेकर आया। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।